राष्ट्र आज मना रहा है संविधान दिवस। देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया याद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संविधान की प्रस्तावना का पाठ। संविधान दिवस पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का संविधान बदलते समय की नई चुनौतियों के लिए करता है हमारा मार्गदर्शन। सामान्य व्यक्ति के समझ में आने वाली होनी चाहिए हमारे कानून की भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, राजनीतिक हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करने की है जरूरत। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी संस्थाओं से जागरूक रहने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2008 में मुंबई हमले में मारे गए लोगों और शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। चक्रवाती तूफान निवार की गति पहले से हुई कमजोर। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का कहर जारी। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से 1 दिसंबर या उससे पहले मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने की भी दी हिदायत। दुनिया भर में कोविड मामलों की संख्या 6,06,00,000 के पार। मृतकों की संख्या 14,25,000 से अधिक। तुर्की में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। एक ही दिन में 28,000 से अधिक मामले आए सामने। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, आम लोगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को सरकार द्वारा दी जाएगी प्राथमिकता। अब खबरें खेल जगत से। खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ AAI को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में दी मान्यता। नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए भी दी मान्यता।